तो गाइज आज की जो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन में भी स्टोरेज जल्दी से फुल हो जाता है, आपके फ़ोन का स्टोरेज भर जाता है, तो इस वीडियो में आपको जो टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं, अगर उसे आप अप्लाई कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके फ़ोन का स्टोरेज कभी भी फुल नहीं होगा और कम से कम स्टोरेज भरेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके फ़ोन में कई ऐसी फाइल्स, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, ऐप, इस तरह के कई ऐसे चीज़ें रहती हैं जो कि आप डिलीट नहीं करते हैं, या फिर डिलीट नहीं होता, या फिर डिलीट करना भूल जाते हैं, तो आपके लिए ये डिलीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिलीट कैसे कर सकते हैं आप, उसके लिए आप यहाँ फाइल मैनेजर में आके इस अच्छी तरह से डिलीट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है गूगल फाइल्स। गूगल फाइल्स की मदद से आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फ़ोन को क्लीन कर सकते हैं, और कई इसमें एडवांस फीचर दिए गए हैं जिससे आपके फ़ोन का स्टोरेज जो है काफ़ी खाली हो जाता है, काफ़ी मतलब कि आपको स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसे कैसे डेडिकेटेड रूम में यूज करना है वो आप देख लीजिए, तभी आप अच्छे से इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले क्लीन कर लेना है, क्लीन पे क्लिक करके, जो कि मैंने अभी कर लिया हो, जो कि सिंपल प्रोसेस है, सभी लोग लगभग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद एडवांस जो काम है वो आपको करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिलीट डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट ब्लरी फोटो का आ रहा है, डिलीट शेयर कर लो लाइट मीडिया का आ रहा है, यानी कि अलग अलग यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज मिल जाता है कि आपको इन सभी चीज़ों में से कुछ जो भी डिलीट करना आप यहाँ डेडिकेटेड रूप से आकर डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट डुप्लीकेट्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पर जो कि डुप्लीकेट फ़ोटो रहेंगे वो देखने को मिल जाएंगे, और इस तरह से आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मूव टू वन फाइल टू कर देना है, यानी कि डिलीट कर देना है, तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ डिलीट ब्लरी फोटो पर क्लिक करके इसी तरह से आपको करना है, यहाँ सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे जो भी आपको डिलीट करना है, और यहाँ पर डिलीट कर देंगे। इस तरह से आप अपने फ़ोन की स्टोरेज जो है अच्छी तरह से खाली कर पाएंगे, जो कि आप कहीं और से अच्छे तरीके से खाली नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है डिलीट, यहाँ पर शेयर करो लाइट मीडिया, इसी तरह इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपको डिलीट करना है जो कि बिना काम का है वो डिलीट कर देना है, क्योंकि आपके फ़ोन में बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं, कई ऐसे फ़ोटो डॉक्यूमेंट फाइल्स रहते हैं जो कि बिना काम के रहता है, जो कि आप डिलीट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपके फ़ोन का स्टोरेज जो है फुल रहता है। उसके बाद यहाँ डिलीट पिक्सल लाइव मीडिया पर क्लिक करके आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं जो भी आपको लगता है कि बिना काम का है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डिलीट लार्ज फाइल्स का, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें से लार्ज फाइल आप डिलीट कर सकते हैं, यानी कि कई ऐसी आपके फ़ोन में फाइल्स रहती हैं जो कि बड़ी बड़ी फाइल्स रहती हैं और बिना काम की रहती हैं, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। इसके वजह से आपके फ़ोन का स्टोरेज जो है काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डाउनलोड, इमेज, वीडियोज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट एंड अदर ऐप, इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है, और नीचे आपको यहाँ साइज भी देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐप का साइज यहाँ पर सभी ऐप का मिलाकर 8.4 GB है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी बिना काम के ऐप है आपको तुरंत डिलीट कर देना है। और यहाँ पर आपको नीचे इस ऐप का साइज भी देखने को मिल जाएगा कि कौन सा ऐप कितने साइज का है, जिसे आप डिलीट करके अपने फ़ोन का स्टोरेज को खाली कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।